और मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 13 मौतों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस भयावह हादसे को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राजधानी भोपाल में पहले से तय कार्यक्रमों को सीएम ने स्थगित कर दिया है और कार्यक्रमों को स्थगित करते हुए सीएम यादव ने अचानक गुना के लिए रवाना हुए हैं और पहले मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक लेने वाले थे। कलेक्टर तरुण राठी का कहना है कि भीषण हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए हैं। डीएनए के आधार पर ही मृतकों की पहचान की जा सकेगी। कहा जा रहा है कि बस में 35 यात्री सफर कर रहे थे। बस के अंदर ज्वलनशील पदार्थ भी रखा हुआ था जिसमें आग लगने से बस बुरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। फिलहाल घायलों के लिए राहत और बचाव के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरी घटना पर जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपना बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। घटना बड़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आई थी, रात को मैंने कलेक्टर एसपी सर से बात भी की थी और अभी मैं स्वयं जा रहा हूँ और जिस प्रकार की घटना है बहुत हृदय विदारक है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा ऐसी कभी घटना ना हो पाए। और मैंने कल रात को जांच के आदेश भी दिए। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बस का अगर परमिट नहीं है तो बस कैसे चल रही थी या जहाँ से ये टर्निंग पॉइंट है आमने सामने की टक्कर हुई तो वो ऐसे डेंजर जोन जा जा रही है, इसके संबंध में क्या कर सकते हैं। और जो जो भी जवाबदार होगा उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों के परिवार के साथ हूँ। घायलों के लिए हमारी संवेदना है और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ऐसी कोई भी घटना होगी तो आगे उसको बहुत सख्ती से रोकेगा भी सही और भविष्य में ना हो इसके प्रबंध भी।